जैसा आपको पता है आज हमारे सैलून में पुलिस आ गई थी। मम्मा ये बताओ पुलिस क्यों आई थी? हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ सैलून में दो दिन बाद। दो दिन में गई नहीं क्योंकि चीनू के साथ मेरे को बिताना था अपना टाइम, तो मैं नहीं गई और चीनू ने मेरे साथ टाइम भी नहीं बिताया, अपना काम करती रही। मम्मा देखो मेरी आंखें कितनी मोटी हो रही है। बिना नींद के या ज्यादा सो गई है? मोटो पता नहीं। तो चलो रेड भी हो रही है और पता नहीं है, देखो कैसे जैसे चिकना चिकना हो रहा है। खाने में मैंने चावल बनाया तेरे लिए, खा लिए। आंख मम्मा कैसी हो रही है? ये ज्यादा पढ़ने से हो गई। कोई नहीं, ये पढ़ाई जो करी है ना ये काम आएगी आगे लाइफ में, ठीक है? अभी जो मेहनत कर लेगी वो काम आएगी। अगर अभी मेहनत नहीं, अगर अभी मेहनत नहीं करी तो बाद में करनी पड़ेगी। बाद में कर नहीं पाओगे क्योंकि वो टाइम नहीं रहेगा। हाँ। तो इसलिए अभी कर लो, ठीक है? अभी मेहनत बाद में मौज, और अभी अगर मौज करी तो बाद में कुछ भी नहीं कर पाओगे। बाद में डबल मेहनत, डबल भी नहीं होगी, वो उम्र ही नहीं रहेगी। तो मैं तो मौज और मेहनत दोनों कर रही हूँ अभी, बता रही हूँ। लेकिन मौज कम करनी चाहिए और मेहनत ज्यादा, क्योंकि यही टाइम है हमारे पास, गोल्डन टाइम। चले आप, चलो गाइस चलते हैं सैलून में। मोटो बैठी आए, चलो मोटो को दिखाते हैं। काम है मुझे आज। कपड़े धो दिए थे, चीनू सुखा रही है, धूप निकलेगी 1 बजे के आसपास। तो गाइस ये देखो दीवार पे मोर बैठा हुआ है और मैंने ना चावल डाले थे तो वो चावल खा रहा है मोर। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। और बाहर गाड़ी खड़ी है, अभी मेरे को निकलना है लेकिन मैं थोड़ी देर में निकलूंगी वरना ये मोर उड़ जाएगा। देखो खा रहा है ना, देखो 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 देखो, ओ कितना प्यारा लग रहा है मोर। मोर खा रहा है चीनू चावल। अच्छा। देख दिख रहा है तेरे को यहाँ से, देख मोर नहीं है। हाँ। और गाइस ये देखो मौसम बिल्कुल बहुत ज्यादा ठंड है आज, लेकिन कोई नहीं, इतनी भी नहीं है, थोड़ी देर में मौसम साफ हो जाएगा। सुबह सुबह तो देखो होती ही है, पर कोई बात नहीं, अब इतना ठंड लगती नहीं है। जैसे सुबह जल्दी उठो ना तो ठंड नहीं लगती है, काम जब टाइम से कर लो, उठ के नहा लो धो लो। क्या उड़ गई, कहाँ है मेरे पीछे? और चीनू मेरे पीछे पीछे काम कर रही है। कहाँ गई चीनू? एक बार ऑफिस में घूम के आती हूँ, कई दिन हो गए मेरे को यहाँ भी गए, घर की घर में मैं यहाँ भी नहीं आ पाती। तो भाई ये ऑफिस देख लो, कई दिनों में मैं यहाँ पे आई हूँ, कई दिनों में आपको दिखाया है मैंने, बिल्कुल यहाँ पे साफ सफाई कर रखी। और ये चीनू आ गई मेरे पीछे पीछे, यहाँ से खोलिए चीनू, कई दिन हो गए यहाँ का नजारा देखे। मैं तो आई थी। और गाइज ये देखो नीम का पेड़ अपना, ये बहुत भारी हो चुका है। हाँ ये बहुत भारी हो चुका है। ओ वो बैठा मोर। ये देखो भी हमारे यहाँ ना वैसे बहुत ज्यादा मोर है और ये अब बोल नहीं रहे हैं, ठंड में बेचारे सिकड़े हुए हैं, सिकुड़े हुए हैं, नहीं पहना सकते। देखो कैसे ऊपर दिल दुबका के बैठे। पर भगवान ने इनका शरीर ऐसा बनाया है कि ये अपने बचाव कर सकते हैं, अपने आप को हर चीज से बचा सकते हैं। बिल्कुल खुले में बैठा है, पेड़ के अंदर बैठ जाए झुक के, उसको लगे नहीं रही ठंड, इसलिए तो खुले में बैठा है। जोए पिट्टी कर दो तेरी, और मोटो पिट्टी कर दो, पिट्टी छींक रहा है, इसको ठंड लग गई। मम्मा ये एक्टिंग करता है, बहुत एक्टिंग बाज है। एक्टिंग बाज है क्या तू जोए? आके देखो यूं बैठेगा। इससे थोड़ा डर सा लगता है। नहीं कुछ नहीं कहती ये भी ऐसा। बाबा वाला कुत्ता है। यहाँ कैसे आया? यूं करके पैर दोनों पर उठा लेता है। अच्छा वैसे मैं सोची मंदिर में से आया है, आपने इधर गाइस ये देखो राम मंदिर की तैयारी। ये वे लोग हैं जो शायद वहां पे जा रहे हैं, है ना? तो या पता नहीं रैली निकाल रहे हैं, रैली है ये, रैली है ये अपने, ये है ना शोभा यात्रा, ये लिखा हुआ ना। हाँ अरे ये हमारा आश्रम है ना, इसकी रैली निकल रही होगी। जय श्री राम लिख देना कमेंट में गाइस। हाँ ये अपने इसी की निकल रही है। हाँ आश्रम
walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just want mere saath ye log aaye hain. Kya karwaoge? Hello. Hello. Kaise ho? Kya karwana hai? Kitne gande baal ho rahe hain. अच्छा, बाल अच्छे करवाने आए हो? और तेरे को क्या करवाना है ध्रुव? कटिंग? हाँ, कटिंग करवा लो. ठीक है, अभी वो कंफ्यूज है, अभी बात करेगा मम्मा से, फिर बताएगा क्या करवाना है. चलो ठीक है. तो अभी इन्होंने कैरा स्मूथ कराई है, ये देखो और ये देखो. और ये दोनों मेरे साथ आए थे. ये दोनों मेरे साथ आए थे. बताना क्या है, ऐसे देख के सब पहचान जाएंगे, है ना? और क्या, और ये भाभी. और अभी हम चलो निकलते हैं घर पे. ठीक है, चलो आप भी साथ, भाई को भी. और ये छोटा बच्चा है और ये भैया है. आज हमारी पूरी फैमिली आई हुई है सैलून पे. दिखा दो अपने बाल भी. और ये भाई, ये तन्नी ने कटिंग कराई. हाँ जी, ये पहले इनसे एक कटिंग कराती थी, आज पहली बार इसने बाहर कराई है. अच्छा, मेरे से? हाँ हाँ, ठीक है, मेरे को याद भी नहीं था. चलो ठीक, कैसे लगे बाल? चलो चले फिर. चलो बाय एवरीवन, बाय बाय. आप लोग तो मेरे साथ ही चल रहे हो, इसको कर रही हो ना बाय, इसको और इनको बाय कर दो ना. बाय बाय. चलो मिलते हैं फिर जल्दी. चलो चलो उनके साथ चले. तो गाइज, आज हम जाएंगे कैब से, क्योंकि हमारी गाड़ी नहीं है. ड्राइवर को जाना था कहीं शादी में, तो वो हमें छोड़ के यहाँ पे चला गया है. तो अभी हमने कैब बुक करी है, वो हमारी कैब खड़ी, तो आज हम कैब से जाएंगे. चलो भाई आ जाओ. बाय कर दो, बाय बाय कर दो. चलो ठीक है भैया. तो गाइस, जैसा आपको पता है, आज हमारे सैलून में पुलिस आ गई थी. मैं तो डर गई थी एक बार कि पुलिस कैसे आ गई, मेरे को बहुत डर लगा. फिर मैंने बात करी उनसे, तो बाद में मेरे को पता लगा कि पुलिस भी सर्विस लेने आई थी सैलून में. फिर जाके शांति हुई. तो कोई नहीं, फिर हमने उनको पैकेज बना के दे दिया कि आप पैकेज लो सर, और आप बार बार आना, विजिट करना, और आपको कैसा हमारा काम लगा. उनसे फिर मैंने सारी पूछी, तो वो बहुत खुश थे, मतलब उनको सही लगा. तो मैंने उनको बोला कि आप अपने स्टाफ को भी बोलो कि हमारे सैलून पे आए और सर्विस लें, आपको बड़ा डिस्काउंट भी मिलेगा. तो बोल रहे थे ठीक है. तो फिर अपना वो जो भी उनको कराना था कराया उन्होंने, फिर वो चले गए. मम्मा ये बताओ, पुलिस क्यों आई थी? आई थी बस ऐसे ही डराने. क्यों? पुलिस आई थी सर्विस लेने. क्या आई थी सर्विस लेने? आई थी सैलून में सर्विस, पैकेज. अच्छा. बाल वाल कटवाने, फेशियल करवाने. अच्छा. और मैं डर गई थी कि पुलिस कैसे आ गई. सच में? हाँ, मैंने बनाया है व्लॉग. मम्मा बहुत टेस्टी लगेंगे. तो भाई ये बन के तैयार हो गए हैं. चलो मैं चख लेती हूँ एक बार कैसे लगते हैं. तो गाइस, खाना पीना हमारा सब हो गया है, और स्वाति आज घर पर नहीं है, स्वाति गई हुई है शूट पर. और स्वाति का शूट आज हो ही जाएगा, तो स्वाति कल घर पर आ जाएगी. और मैं और चीनू अकेले हैं, अकेले तो नहीं है, मैं और चीनू है तो दो हो गए. लेकिन हमारा स्वाति के बगैर दिल नहीं लग रहा. चीनू भी उदास बैठे हुए इधर, अभी चीनू को मिलवाती हूँ. और जब साथी होती है तो ये उससे झगड़ती है. और अब तेरा दिल नहीं लग रहा ना साथी के बिना? मेरा मूड ठीक नहीं है.
भाई इसका मुंह ठीक नहीं है स्वाति के बिना, इसको स्वाति की याद आ रही है। कुछ खाना है क्या? मैगी मैगी नहीं बनाऊंगी मैं, सूप बन जाएगा पर मैगी नहीं बनेगी। ठीक है तो गाइस चीनो ने करी है सूप की फरमाइश। तो अभी वैसे हमने वो खाए हैं, आपको दिखाया ही था मैंने मशरूम के पकोड़े, और अभी हैवी हो रखा है सब। सूप वगैरह पी लेगी तू, फिर हमें दूध भी पीना है। पकोड़े अच्छे थे बहुत, और चीनो ने बहुत ही टेस्टी बनाए। तो चीनो बहुत अच्छा खाना बनाती है, पता नहीं इसने कैसे सीख लिया इतना अच्छा, पर कोई नहीं मेरे से ही सीखा होगा, मैं भी तो अच्छा बनाती हूँ तो मुझे देख देख के चीनो ने सीख लिया। तो चीनो मुझे थैंक यू बोलो। थैंक यू मम्मी। तो गाइस चीनू ने देखो मुझे थैंक यू बोल दिया। इसी के साथ इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। लाइक कमेंट शेयर सब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल फिर से एक और व्लॉग के साथ। बाय, गुड नाइट, टेक केयर। देखिया नहीं मैं तो वेखदा ही रह गया, अग वे प्यार वाली सेखदा ही रह गया।